अगला सेवन हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया था ओके। तो आज हम 5.2 देखते हैं। 5.2 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन देखना है ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 पर क्वेश्चंस करते हैं और उसी से आपको समझ में भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3/4 बाय 5/7। पहला क्वेश्चन 3/4 बाय 5/7, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 3/4 इंटू 5/7, इट विल बी इक्वल टू 3/5 = 54/7 = 28, ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लो सी, जब नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है, पॉजिटिव देता है ना, उसी में देखो। और जब 24 लिखा है, जैसे यहाँ पर 24 लिखा है, 24 upon 1 न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में होगा ठीक है। 24 सॉरी सी क्वेश्चन देखो, -13/15 = -25/26, तो क्या होगा, -13/15 × -25/26। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 15 है और 25 है तो 5 से कैंसिल होगा, 5 3 5 5, नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, 13 1 13 2 2, यहाँ पर क्या मिला हमें, -1/3 × -5/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का मल्टीप्लिकेशन -5 से होगा, ये +5 बन जाएगा एंड 3 2 6 हो जाएगा, ये 5/6 आंसर आ गया ओके। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का बाकी दो क्वेश्चन आप कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ, क्वेश्चन है -5/9। देखो रेसिप्रोकल में साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -5/9 = 9/5 माइनस ठीक है, माइनस साइन जो था जिसके साथ उसके साथ ही रहेगा, बस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा। उसी तरह जैसे मान लो 84 दिया है -84 सी क्वेश्चन, सो रेसिप्रोकल ऑफ -84 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/-84, और ये आंसर होगा। बस इतना समझ लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देना है, प्लेस चेंज करने है, वही रेसिप्रोकल होता है। थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में क्या करना है, एक क्वेश्चन है 20/12 -35/10 × -20/15, देखो अब यहां पर ये ब्रैकेट है और इसमें ये ब्रैकेट है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 20 को, तो 5 4 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे 3 4 12, 3 6 18, ये फिर से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ओके। और यहां पर भी कुछ कैंसिल होगा, 10 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, नेगेटिव साइन को हम नहीं भूल रहे ठीक है। फिर 5 से कैंसिल होगा, 5 3 15, 5 7 70 35 ओके। यहां पर क्या बचा, 4 और 4 कैंसिल हो गए, 1 बचा है, इंटू -6/1, -6/1 मीन्स -6 ही होता है, प्लस यहां पर क्या बचा है, -7 इंटू
माइनस टू अपॉन थ्री। अब यहां देखो वन का मतलब होता है वन अपॉन वन, और ये वन का मल्टीप्लीकेशन अब हम माइनस सिक्स में करेंगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा, प्लस यहां पर क्या होगा सेवन एन टू, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से होगा, ये माइनस सेवन का मतलब है माइनस सेवन अपॉन वन। ओके, तो माइनस सेवन का मल्टीप्लीकेशन माइनस टू में करोगे तो हो जाएगा फोर्टीन, और प्लस में आएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, एंड थ्री का मल्टीप्लीकेशन वन होगा तो थ्री आएगा। अब यहां पर इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज वन और इसका डिनोमिनेटर थ्री है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या है थ्री है, वन और थ्री का एलसीएम थ्री है, ठीक है, तो यहां पर थ्री आ गया। अब उसका डिनोमिनेटर थ्री करने के लिए मुझे थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो सिक्स में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटीन हो जाएगा माइनस में, और यहां पर पहले से थ्री है तो ये वही रहेगा प्लस फोर्टीन। अब माइनस एटीन प्लस फोर्टीन क्या होगा, एक एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होने तो ये हो जाएगा माइनस फोर एंड थ्री। अठारह में से जब चौदह को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर आएगा, ठीक है, फोर आने के बाद नेगेटिव साइन इसलिए लिया है कि जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन होता है वही लेना, तो ये माइनस फोर अपॉन थ्री आ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से होगा, चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तक कर लेना, मल्टीप्लीकेशन का था। अब इसके बाद जो है वो डिवीजन है, ठीक है, तो डिवीजन में अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।